ओम शांति। आज 30 नवंबर 2021 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे सवेरे सवेरे उठ बाप को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएगी। वो कितनी छोटी सी लाइन जरा सा भी अर्थ समझ में ना आए क्या। सवेरे सवेरे उठ बाप को याद करो। अब यदि कोई सवेरे सवेरे उठ के शिव बाबा करना शुरू कर दे, सवेरे सवेरे उठ के गीत सुनना शुरू कर दे, सवेरे सवेरे उठ के कमेंट्री सुनना शुरू कर दे, बाबा के रूप में बैठ जाए, कैसे सत्व प्रधान बने। सवेरे सवेरे उठकर अपने आप को समझाना है सारा दिन के लिए कि मैंने कहां कहां जाना है, कैसे कैसे व्यवहार करना है, बाबा की श्रीमत पर मैंने क्या क्या करना है। जब सवेरे सवेरे हम बाबा की श्रीमत पर अपने आप को समझा देंगे तो सारा दिन उसी तरीके से। ये है बाबा को याद करना और बाबा की याद से सतो प्रदान करना। अपने आप को सुधारने के लिए सवेरे सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है। अमृत वेले का समय बहुत अच्छा है क्योंकि सवेरे सवेरे फ्रेश माइंड में हमने जो अपने आप को समझा दिया सारा दिन फिर उसी प्रकार से ही काम होगा। जो गीत सवेरे सवेरे गा लिया सारा दिन वो बुद्धि पर छाया रहता है। सवेरे सवेरे आपने रास्ता दिखा दिया बुद्धि को, बुद्धि उसी पर सारा दिन चलती रहेगी। प्रश्न, आज्ञाकारी बच्चों की निशानियां क्या। आज्ञाकारी बच्चों की निशानियां क्या होंगी। जो आज्ञाकारी बच्चे ऊंचे ते ऊंचे बाप के महावाक्यों को सिर पर रखेंगे अर्थात अपने जीवन में धारण करेंगे, अपने जीवन में धारण करेंगे, उनकी चलन बड़ी रॉयल होगी, उनकी चलन बड़ी रॉयल होगी, वे बड़े धैर्यवत, बड़े धीरज वाले एकदम। उन्हें विश्व के मालिकपन का गुप्त नशा, गुप्त नशा मतलब दिखावा करने की जरूरत नहीं है। आज्ञाकारी बच्चे अपनी अपने किसी भी कर्म से बाप दादा की इंसल्ट नहीं होने, कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो कहें कि देखो यह है ब्रह्मा कुमार क्या, इंसल्ट नहीं होने। इंसल्ट करने वाले अर्थात अवज्ञा करने वाले बच्चे बहुत डिससर्विस करते, इंसल्ट कराने वाले अर्थात बाबा की आज्ञा पर ना चलने वाले बच्चे बहुत डिससर्विस करते हैं। आज्ञाकारी बच्चे सदा फॉलो करते हैं, कभी उल्टा काम नहीं करते, कभी उल्टा काम नहीं करते। गीत, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन आजा रे इस धरती। क्या करने आए बाबा, हम सबको पतित से पावन बनाने। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने दो अक्षर सुने, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन आ जा रे इस। अब बच्चे तो इनका अर्थ समझ ही गए हैं कि बाप यहां है, बाप बैठ राइट बात समझाते हैं
क्योंकि हर एक बात मनुष्य जो कहते हैं ज्ञान के बारे में व ईश्वर के साथ मिलने के बारे में वो है रॉन्ग। अब गीत के अक्षर सुने। छोड़ बीदे आकाश सिंहासन, आजा रे इस धरती। लेकिन आकाश सिंहासन क्या है ये किसी को पता नहीं। अब तो मैं कुर्सी पर बैठा रहता हूं क्या? मैं कुर्सी पर बैठा रहता हूं ऊपर क्या? सिंहासन पर बैठा रहता हूं। सिंहासन माना कुर्सी। कितनी भी बढ़िया सोने की बना लो, चांदी की बना लो, किस चीज की बना लो, मैं वहां बैठा रहता हूं क्या? संकल्प ही नहीं, सोया पड़ा। पतित पावन को तो आना ही है। कोई कहते हैं भगवान है नहीं, सिर दर्दी खत्म है ही। कोई कहते हैं सभी सब भगवान ही भगवान है, आएगा क्यों? आना क्या है? तू भी भगवान, मैं भी भगवान, सब भगवान भगवान। ये तो तुम बच्चों ने जाना कि बाप आया है। फिर ये गायन आदि सब भक्ति मार्ग का सुनना अच्छा नहीं लगता। भगवान है ही नहीं या सब भगवान ही भगवान है, पता ही नहीं ना। ये तुम बच्चों ने जाना है। पतित पावन आकर अपना परिचय देकर रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। बाकी दुनिया में ये बातें कोई समझ नहीं। यहां भी कितनी मत के आदमी हैं, कहते हैं मनुष्य पवित्र बने, ये हो नहीं। सो जरूर जब तक भगवान ना आए तब तक पवित्र कैसे बन सकते? परमात्मा ही आकर शिक्षा देते हैं और टेम्पटेशन भी। लालच भी देते, टेम्पटेशन कि इसमें प्राप्ति कितनी भारी है। तुम जानते हो बाप कहते हैं मेरा बनकर श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो सजा खानी पड़ेगी। जैसे बाप सगीर बच्चों की चलन ठीक नहीं देखते हैं तो चमाट मार देते। छोटे बच्चे हों और वो ठीक तरीके से ना चले तो उनको चमाट लगा देते। ये बाप चमाट तो नहीं मारते, ये बाप चमाट नहीं मारते, सिर्फ समझाते हैं। प्रतिज्ञा ब्लड से भी लिख कर देते हैं फिर भी हार जाते। मनुष्यों को पता ही नहीं, मनुष्यों को पता ही नहीं तो पवित्र बनने से क्या मिलता है? पतित किसको कहा जाता है? बाप समझाते हैं जो विकार में जाते हैं वे हैं पतित। मनुष्य समझते हैं विकार छोड़ना इम्पॉसिबल है, असंभव है। बोलो देवी देवताएं तो संपूर्ण निर्विकारी थे, चित्र दिखाने चाहिए। ये निर्विकारी दुनिया
थी ना, ये निर्विकारी दुनिया थी ना, पवित्रता थी तो भारत कितना सौकार था, शिवालय था। मनुष्यों को ये फुरना रहता है कि विकार बिकर दुनिया कैसे बढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी। अरे गवर्नमेंट तंग हो गई कि दुनिया बढ़े नहीं, फिर भी हर वर्ष कितने मनुष्य बढ़ते रहते। कम होना तो बहुत मुश्किल, कम होना तो बहुत मुश्किल है। यहां वेद का बाप कहते हैं, अगर तुम पवित्र बनेंगे तो हम तुमको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। आमदनी बहुत भारी है, बच्चे जानते हैं बरोबर माया जीते जीत बनना। हम जगत जीत कब बनेंगे, जब अपने विकारों को, अपनी कमियों को, अपने अवगुणों को, दुर्गुणों को जीत। रावण को जीत राम राज्य पाएंगे, वहां ये विकार हो नहीं सकते, वहां ये विकार हो नहीं सकते। उन्हों को तुमने जीत लिया ना, ये बातें कोई मुश्किल समझते, कहते हैं इसके बिगर दुनिया कैसे चलेगी। ऐसी ऐसी जो बातें करे तो समझना चाहिए कि ये आदि सनातन देवी देवता धर्म का नहीं है, ये आदि सनातन देवी देवता धर्म का नहीं है। जहां भी तुम भाषण करते हो तो बोलो, जहां भी तुम भाषण करते वहां बोलो भगवान वाच। भगवान कहते हैं काम महाशत्रु, उन पर जीत पहनने से तुम जगत जीत बने। समझानी बड़ी सीधी है, परंतु फिर भी वे समझते नहीं, या समझाने वालों में अक्कल नहीं है। ऐसे थप्पड़ मारते हैं कि तुम्हें थप्पड़ नहीं मारता हूं, या समझाने वाले में अक्कल। ऐसी दी सी बात, परंतु समझाने वाले में अक्कल नहीं। बाबा तो समझते हैं, बच्चे रुपए में 5 आना भी मुश्किल सीखे। अच्छे बच्चे बैठे होंगे कुछ ना, या तो खुद पूरे योगी नहीं बने तो ताकत नहीं मिलती, या सही ताकत मिलती है। बाबा सर्वशक्तिमान अथॉरिटी है ना, योग हो तो शक्ति भी मिले। योग तो बहुत बच्चों को बिल्कुल का, योग तो बहुत बच्चों का बिल्कुल ही कम। सच भी कोई लिखते नहीं। याद का चार्ट नोट करें सो भी मुश्किल है। टीचर्स ही चार्ट नहीं रखती, कौन चार्ट नहीं रखते, तो स्टूडेंट कैसे रखेंगे वो। बहुत स्टूडेंट योग में बहुत तीखे हैं, मुख्य बात है बाप को याद, अर्थात बाप की श्रीमत पर चलना। योग अक्षर शास्त्रों का है,
बाबा क्या कहते हैं, योग अक्षर क्या है, मनुष्य सुनकर मूंझ जाते हैं, कहते हैं योग सिखाओ। अरे योग कोई सीखने का थोड़ा ही है, योग कोई सीखने का थोड़ा ही है, एक सीखने की चीज थोड़ा है कि योग सिखाओ। योग सुबह सवेरे सवेरे उठ आप पे ही याद करना है। क्या करना है? अपने आप क्या याद करना है कि बाबा ने क्या करने के लिए कहा है, क्या करने के लिए मना किया है, कैसे करने के लिए कहा है। ये बैठ कर अपने आप से आप पे ही बात करनी है, इसमें कोई सीखने सिखाने की बात थोड़ा ही है। इसमें टीचर की क्या बात है, क्या जरूरत है टीचर की, कोई चाहिए जो बैठ के सिखावे, जो बैठ कर सिखावे। इसलिए याद अक्षर ठीक है, याद अक्षर ठीक। योग सीखने की बात नहीं, ये आदत नहीं डालनी चाहिए कि कोई बैठे योग करावे तो हम योग करें। यह आदत नहीं डालनी चाहिए। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, अपने आप को समझो आत्मा और बाप की श्रीमत पर चलो तो सत्व प्रधान बन जाएंगे। अमृत वेले याद करना अच्छा है, भक्ति भी सवेरे उठकर करते हैं, ये भी तो बाप को याद करता है, ये ब्रह्मा बाबा भी तो बाप को याद करता है। परंतु उनको ये मालूम नहीं, उनको यह मालूम नहीं, क्या मालूम नहीं है, कि शिव से, शिव को याद करते हैं परंतु उनको यह मालूम नहीं कि शिव से क्या मिलना है। उनको क्या मालूम नहीं है कि शिव से क्या मिलना है। फल ये सिर्फ तुम बच्चे ही जानते कि शिव बाबा से हमें क्या मिलना है। अब बाप श्री मत देते हैं कि अपना कल्याण करने के लिए क्या करो, अपना कल्याण करने के लिए मुझ एक बाप को, बस और किसी को, मुझ एक बाप को याद करो, मेरी केवल और मेरी ही श्री मत पर चलो। याद से ही शक्ति आती है, क्योंकि सुधरेंगे तो ताकत बढ़ती जाएगी। शक्ति से विकर्म विनाश होते। ज्ञान से विकर्म विनाश नहीं होते। कितना भी ज्ञान ले लो, ज्ञान माना इंफॉर्मेशन, सूचनाएं, सूचनाएं कितनी ले लो, उन सूचनाओं को प्रयोग करेंगे तो सुधार आएगा ना। ज्ञान से पद मिलेगा, पतित से पावन बनते हैं, याद से पतित पावन कैसे बनते हैं, याद से। बहुत बच्चे इसमें फेल होते, बहुत अच्छे अच्छे महारथी, बहुत अच्छे अच्छे महारथी पांच आना भी मुश्किल याद करते,
कोई कोई तो एक पैसा भी याद नहीं करते, कितने अच्छे बच्चे। हाँ, एक पैसा भी याद नहीं। इसमें बड़ी मेहनत है, समझानी तो झट सीख जाते हैं, दूसरों को समझाना तो फटाफट सीख जाते हैं, परंतु बिगड़ा पार तब हो जब जब याद में रहे बाबा की श्री मत पर चलते रहे, तभी जन्म जन्मांतर के विकार विनाश हो, फिर आत्मा पुण्य आत्मा बन जाए। फिर क्या बन जाएंगे? पुण्य आत्मा बन जाएंगे। बाप को बुलाते हैं आकर हमें पतित से पावन बनाओ। पावन तो ढेर बनते हैं, परंतु ऊंच वर्षा वे पाएंगे, कौन पाएंगे? जो बाप जो याद में अच्छी रीति, जो याद में अच्छी रीति रहेंगे। तुम्हारे से जो बांधेलिया है ना, वो जास्ती याद करती है, याद से ही विकर्म विनाश हो सकते हैं। तो जब कोई कहे के पवित्र रहना इम्पॉसिबल है, तो फिर उनसे बात नहीं करनी, उनसे बात ही नहीं करनी। निर्विकारी भारत था तो सतो प्रधान था, परंतु सौकारों की बुद्धि में ये ज्ञान बैठना ही मुश्किल है। क्यों? क्योंकि याद में ही मेहनत है। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते उनसे भी तोड़ निभाओ, अंत तक वास्तव में कायदे बहुत कड़े। तुम जन्म जन्मांतर तो पाप आत्माओं को दान देते, पाप आत्मा बनते रहे, अभी तुम पाप आत्मा को पैसा दे नहीं सकते, पाप आत्मा को पैसा दे नहीं सकते, परंतु दादे का वर्षा है, दादे का वर्षा है तो देना पड़ता है। इसलिए बाप कहते हैं पहले सब लौकिक के काम उतार, फिर सरेंडर हो जाओ। लौकिक आपकी जिम्मेवारियां हैं, उन सब जिम्मेवारियों को पूरा करो और फिर समर्पित हो जाओ। ऐसे भी कोटों में कोई निकलता है, बड़ी भारी मंजिल है, फॉलो फादर करना, नष्टो मोहा होना, कोई मासी का घर नहीं है, कोई मासी का घर नहीं है। बड़ी मेहनत है, विश्व का मालिक बनना, प्राप्ति कितनी भारी है। काल्प काल्प जो विश्व का मालिक बने फिर भी बनते हैं, वही फिर भी बनते हैं मालिक। ड्रामा का राज भी थोड़ों की बुद्धि में बैठता है। साहूकार तो मुश्किल उठ सकते हैं, साहूकार तो मुश्किल उठ सकते हैं, गरीब तो झट कह देते हैं बाबा ये सब कुछ आपका है। फिर उनको सर्विस भी करनी है, पावन बनने के लिए याद भी चाहिए, नहीं तो बहुत सजा खानी पड़ेगी। सजा खाई तो पद भी कम
हो जाएगा। सजा खाते हुए हैं जो याद नहीं करते, ज्ञान कितना भी उठाएं उससे विकर्म विनाश नहीं होंगे। मोचड़ा खाकर फिर थोड़ा पद पाना वे कोई वर्षा थोड़े ही है। बाप से तो पूरा वर्षा लेने के लिए बाप का आज्ञाकारी बनना चाहिए। ऊंचते ऊंच बाप के महावाक्य सिर पर रखने, ठीक है, कागज पे लिखो और सिर पर, ठीक है, ऐसे सिर पे नहीं रखना। सारा दिन 24 घंटे बुद्धि में रहे, क्योंकि सवेरे सवेरे अपने आप को पढ़ा दिया कि ऐसे ऐसे करना है, सारा दिन वैसे वैसे करना। कृष्ण की आत्मा भी इस समय वर्षा ले रही है। इन लक्ष्मी नारायण के बहुत जन्मों के अंत में हम फिर से उन्हों को पढ़ा कर वर्षा देते हैं। अभी तो पढ़ रही है, कब कहा था पढ़ रही है, क्योंकि ये साकार मुरली है तो ये 69 से पहले की मुरली। तुम्हारे में भी प्रिंस प्रिंसेस बनने वाले होंगे ना। रॉयल घराने वालों की चलन बहुत धैर्यवत होती, बहुत धैर्यवत होती है। गुप्त नशा रहता है, बाबा कितना साधारण रहता है। जानते हैं बाकी थोड़ा समय, मेरे को तो जाकर विश्व महाराजन बनना है। ये भी पतित थे, ये ब्रह्मा बाबा भी क्या था, ये तो बाबा का रथ है, तब यहां संदली पर बैठना पड़ता है, नहीं तो बाबा कहां बैठे। ये भी तुम्हारे जैसा स्टूडेंट है, ब्रह्मा बाबा भी तुम्हारे जैसा स्टूडेंट है। पढ़ते हैं बहुत बच्चे हैं, बाप को पहचानते ही नहीं, पढ़ते हैं मुरली रोज पढ़ते हैं। बहुत बच्चे हैं जो बाप को, बाप के साथ धर्मराज भी है। बाबा क्या है, क्या करता है धर्मराज के रूप में, सजा दे। धर्मराज का काम सजाए करना होता है, सजा देना होता है। धर्मराज का काम होता है न्याय करना। धर्मराज का काम क्या होता है, न्याय। बाबा किसी को दुख नहीं देता। बाप कहते मेरी आज्ञा नहीं मानी, मेरी इंसल्ट की, तो धर्मराज बहुत सजाएं देगा। डायरेक्ट हमारी या हमारे बच्चे की, हमारी या हमारे बच्चे की तुम अवज्ञा करते हो। बाप का एक ही सिक्की लदा बच्चा है, प्यार तो है ना। इनकी इंसल्ट करते तो कितनी सजाएं खानी पड़ेंगी, थोड़ी आफतें आने तो क्या करें।
अभी आफते आई नहीं है ना, थोड़ी और आफते आने दो, फिर देखो कितने भागते। तुम सब भागे हो, इसने जादू आदि कुछ नहीं किया। जादूगर तो शिव बाबा है, ये ब्रह्मा बाबा ने ना करा कुछ। बहुत है जिनको ये भी ध्यान नहीं आता कि इनमें शिव बाबा आते। शिव बाबा की आगे हम कुछ उल्टा कर देंगे तो बाप कहेगा ये नालायक बच्चा है। इसमें डबल है ना, इसमें दो बैठे हैं ना, इसलिए तार में लिखते हैं बाप दादा। तार भेजते हैं ना, उसमें लिखते हैं बाप दादा। इस पर भी बच्चे समझते नहीं कि बाप दादा इकट्ठे कैसे हैं। बाप दादा द्वारा वर्षा देते हैं, आप पे ही बात छेड़नी चाहिए, आप पे ही बात क्या करनी चाहिए, बात छेड़ने के लिए कोई ना कोई प्रश्न पूछो, बात शुरू, फिर आंसर आपका शुरू, आपका लेक्चर शुरू हो जाए तो फिर कोई बंद कराने वाला है। तुम जानते हो बाप दादा कौन है? भल कोई पूछे कि तुम बाप दादा किसको कहते हो, बाप दादा एक का नाम हो ना सके, वो क्या कहेंगे, बाप का नाम एक हो ना सके। तो बच्चों को युक्ति से समझाना चाहिए, जब तुम किसको समझाओ तब उनकी बुद्धि में बैठे कि शिव बाबा दादा द्वारा वर्षा देते, शिव बाबा इस ब्रह्मा दादा द्वारा वर्षा देते। अविनाश तो होना है, उनसे पहले राजयोग सिखा रहे हैं, आप भी सीखो। आधा कलब जिस बाप को पुकारा है वे आया है नॉलेज देने, फिर भी कहते हैं क्या कहते हैं, फुर्सत, फुर्सत कब आके समझे, तो कहेंगे आप देवी देवता धर्म के ही, आपकी तकदीर में स्वर्ग के सुख, बाकी यहां कोई माथा आदि टेकना, सन्यासियों के आगे चरणों में जाकर जरूर गिरे। ये तो गुप्त है ना, शिव बाबा तो गुप्त है, आगे चलकर बहुत प्रभाव निकलेगा। कैसे उस समय भीड़ बहुत होगी, उस समय फिर भीड़ क्या होगी, भीड़ भाड़ में कितने मनुष्य मर जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर आदि का दर्शन करने कितनी भीड़ खड़ी हो जाती है, और यहां कितना गुप्त बैठा। बच्चों के साथ यहां देखेंगे किसको,
इनके लिए तो जानते हैं कि ये तो ज्वेलरी था, हीरे ज्वारत का व्यापारी था। शास्त्रों में भी है, क्या लिखा है शास्त्रों में, क्या लिखा है, ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रची, ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रची, कैसे कैसे रची, बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर रचता हूं, ये भी लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ। परंतु पत्थर बुद्धि, परंतु पत्थर बुद्धि समझते नहीं, बाप जाकर बच्चों को पतित से पावन बनाए ट्रांसफर करते हैं, बाकी कोई नई रचना थोड़ी है। ये है पतितों को पावन बनाने की युक्ति। विराट रूप का चित्र जरूर होना चाहिए, चित्र बड़ा होगा तो समझाने में भी सहज होगा। पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनना कोई सहज बात थोड़ी है, कोई तो बिल्कुल सहज समझाते। कोई तो बिल्कुल ऐसे तवाई मिसल, कैसे तवाई मिसल देखकर चले जाते, देखकर चले जाते। प्रजा बनने वाला होगा तो भी कुछ ना कुछ बुद्धि में बैठेगा। हम सो ब्राह्मण सो हम देवता, हम सो का अर्थ बाबा ने समझाया है, कितना अच्छी तरह समझाया। वे कहते आत्मा सो परम आत्मा, बस यहां तुम जानते हो हम आत्मा है, इस हम आत्मा है ही, हम आत्मा पहले पहले ब्राह्मण फिर देवता फिर हम सो क्षत्रिय बनते। हम कितने वर्णों वाले बनते हैं, 84 का चक्कर लगाते हैं, बाकी जो बाद में आते हैं उनके लगभग कितने जन्म होंगे, 84 का चक्कर लगाते हैं, बाकी जो बाद में आते हैं लेट आते हैं उनके कितने जन्म होंगे हिसाब निकाल सकते हो। चित्र बहुत अच्छे बाबा के दिल पसंद बनने चाहिए, दो चार अच्छे बच्चे होने चाहिए जो चित्र बनाने में मदद करें, बाबा खर्चा देने के लिए तैयार है, फिर हुंडी आप पे ही भराएगा, बाबा आप पे ही भराएगा। बाबा कहते हैं मुख्य चित्र ट्रांसलाइट के बनने चाहिए, कौन से बनने चाहिए, ट्रांसलाइट के बनने चाहिए, मनुष्य देख खुश होंगे। सारी प्रदर्शनी ऐसी बननी चाहिए, परंतु बच्चों को खड़ा करना है। बाप
माँ बच्चों को क्या करना है, परंतु बच्चों को खड़ा करने के लिए बाबा को मेहनत करनी पड़ती। बाप याद है मुख्य, याद से तुम पति से पावन सृष्टि के मालिक बन जाएंगे और कोई उपाय नहीं। चलते फिरते बाप को याद करो, चक्र को याद करो, तुम्हारा स्वभाव बड़ा रॉयल होना चाहिए। तुम्हारा स्वभाव बहुत चलते चलते कोई को लोभ कोई को मोह पकड़ लेता है। कोई दिल पसंद चीज पर हिरे हुए है, आदत बनी हुई, ये खाना है, ये पहनना है, करना है, नहीं मिलेगी तो बीमार हो जाएंगे। कितना नशा होता है उनको, नहीं मिलेगी तो क्या होगा, बीमार हो जाएंगे। इस कारण आदत कोई भी नहीं रखनी चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, नंबर एक, अपना कल्याण करने के लिए बाप की आज्ञा माननी है, बाप दादा की कभी भी अवज्ञा नहीं करनी है। कोई कोई भी अविनाशी, कोई भी मतलब सबका कल्याण करना है, कोई भी लोभ मोह की आदत, कोई भी अविनाशी दुनिया, विनाशी दुनिया की प्राप्त करने की कोई लालच नहीं रहे। कोई भी लोभ मोह की आदत, अपना स्वभाव बहुत रायल बनाना है। सवेरे सवेरे अमृत वेले उठ बाप को याद करो तो अभ्यास बढ़ जाए। आज का वरदान, अपनी मूरत से बाप और शिक्षक की सूरत को प्रत्यक्ष करने वाले अनुभवी मूर्त भावो। अपनी असली पोजीशन में ठहरना यही याद की यात्रा है। जो हूं जैसा हूं जिसका जिसके साथ भाई बहन का पोजीशन क्या होनी चाहिए, अपनी असली पोजीशन क्या है कि हम सारे के सारे ईश्वरीय संतान है। यही याद की यात्रा है, अपने आप को सुधारना याद की यात्रा है। जो हूं जिसका हूं उसमें स्थित रहो, इसी असली स्वरूप के निश्चय और अनेक बार के विजय की स्मृति से सदा नशे की स्थिति के सागर में लहराते रहे। जब सुखदाता के बच्चे हैं तो दुख की लहर आ कैसे सकती, कैसे सकती। सर्वशक्तिवान के बच्चे शक्तिहीन हो कैसे सकते, वो कैसे सकते। इसी पोजीशन के अनुभवों में रहो तो आपकी मूरत से बाप व शिक्षक की सूरत सामने आएगी, सूरत स्वतः प्रत्यक्ष होगी। स्लोगन है,
सत्यवादी वो है जिसके चेहरे और चलन में दिव्यता, दिव्यता भी होती है और विस्तार से जानने के लिए विश्व के 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें 9201 9213106986 पर व्हाट्सएप फोन नहीं। ओम शांति।